हेल्थ क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। दोस्तों, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन उन लेडीज को जरूरत पड़ती है जिनकी ब्रेस्ट छोटी होती है, जिन लोगों को सोशल कमेंट्स का शिकार बनना पड़ता है या उनका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो वैसे में जो भी लेडीज हैं वो चाहती हैं कि अपने ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन कराए, तो जो ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन करने के लिए सिलिकॉन इम्प्लांट का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन इम्प्लांट आपके ब्रेस्ट के नीचे या आपके ब्रेस्ट के नीचे जो मसल्स होती है उसके नीचे छाती के ऊपर रखा जाता है। उसका और कोई काम नहीं होता, वो अंदर से ब्रेस्ट को वॉल्यूम देता है, पीछे से धक्का देता है, जिससे कि आपका खुद का नेचुरल ब्रेस्ट आगे प्रोजेक्ट हो जाता है, दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट एकदम नेचुरल फीलिंग वाला होता है। इम्प्लांट करने के बाद आपको या आपके पार्टनर को बिल्कुल भी ब्रेस्ट इम्प्लांट किया हो वैसी फीलिंग नहीं आती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और ग्रेड अभी तो फोर्थ जनरेशन के बहुत ही अच्छी वेराइटी में मिल जाते हैं। एक छोटे से इंसिजन से, करीबन 5 या 6 सेंटीमीटर के इंसिजन से ब्रेस्ट इम्प्लांट किए जा सकते हैं और वो इंसिजन भी आपकी नेचुरल इंफ्रामेमोरी क्रीज में छुप जाते हैं, जिससे वो किसी को दिखता नहीं है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद, ये इम्प्लांट के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकती हैं। तो जिनको भी ऐसी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में जानना है या ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में जानना है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, आप उसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।